इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। आप कहते हैं कि एनपीए हो गया है इसीलिए बैंक बेच दीजिए, तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री सबसे बड़ा एनपीए का स्टेट है और इसको बेचने की जरूरत नहीं है, ये अंबानी और अडानी के हाथ में बिका हुआ है। अगर सरकारी बैंक नहीं होगा तो मेरी इस बात को नोट करके रखिए, अभी जब जाते हैं आईसीआईसीआई में तो गार्ड सलाम ठोकता है ना, अगली बार अगर धक्का नहीं मारा तो फिर मुझे कह दीजिएगा। ये बैंक बचाओ देश बचाओ इस रैली में आए हुए आप तमाम लोगों का मैं समर्थन करता हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ कि किसानों ने जो हमको रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा। यह सरकार जिससे डरती है उसको उसी से डराना पड़ेगा और देश हमेशा देश के लोगों से बनता है, प्रधानमंत्री के दोस्त से देश नहीं बनता है, देश देश के लोगों से बनता है। इसीलिए आज हम जहां खड़े हैं किसानों को हम लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए कि किसानों ने एक रास्ता दिखाया है और वो रास्ता ये है कि ये सरकार अगर चुनाव लड़ती है और सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना है तो चुनाव ही एक ऐसा रास्ता है जहां से इस भरके हुए बैल को काबू में लाया जा सकता है। आप किसानों के आंदोलन को देखिए, एक साल हो गया और इस दौरान क्या क्या नहीं बोला गया, कहा गया कि खालिस्तानी है, कहा गया कि नक्सली है, तो बताइए 56 इंची प्रधानमंत्री जी खालिस्तानियों से डर करके कानून वापस ले लिए? क्यों कानून वापस लिए? क्योंकि किसान सिर्फ किसान नहीं है, किसान इस देश का नागरिक भी है। आप सिर्फ बैंक कर्मी नहीं हैं, आप इस देश के नागरिक भी हैं। और आप अगर नोटबंदी जैसे गलत नीति के वक्त में भी सरकार के साथ खड़ा होकर के अपनी जान गंवा करके 8 घंटे के बदले 18 घंटा काम करके अगर उस परिस्थिति से देश को निकाले हैं तो इस सरकार को अगर आप चाहें तो नकेल भी लगा सकते हैं, उसको रोड पे ला करके खड़ा कर सकते हैं। जब आप देश के नागरिक हैं तो बैंक में काम करने वाला एक कर्मचारी इकलौता नहीं होता है, उसके भी परिवार होते हैं, उसके भी रिश्तेदार होते हैं। और इस देश के संविधान को धन्यवाद देना चाहिए कि इस देश के संविधान ने इस बात का अंतर नहीं किया है। अरे मैनेजर साहब का भी वोट एक होता है और चपरासी जो बैंक में होता है उसका भी वोट एक होता है, जो बैंक के डायरेक्टर होंगे उनका भी वोट एक होगा और हम जो बैंक में खाता खुलवाने लो वाले लोग हैं उनका भी वोट एक होता है। ये जो हमारी वोट की ताकत है उसी को बांटने के लिए बड़ी खतरनाक साजिश की गई है। साजिश क्या है? जब मैं बैंकों के कर्मचारियों का एक राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करने के लिए गया था तो एक बैंक के कर्मचारी ने कहा कि मैं अपने नेताओं से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि देश विरोधी लोगों को क्यों बुलाया गया है। हम बोले बाबू इधर आओ, नौकरी मिला है ना? कैसे मिला है? खिचड़ी खा करके, 18 घंटा मेहनत करके। पता है तुमको एमपी लोग कैसे बनता है? खून करके, चोरी करके, बेईमानी करके। तुम अपनी मेहनत से नौकरी हासिल किए हो तब जा करके ब्याह हुआ होगा, नौकरी नहीं मिला होगा तो बटवार नहीं आता होगा, शादी के रिश्ते नहीं आते होंगे। और जो ही नौकरी लग गई होगी तो फूफा चाचा मौसा सब एक रिश्तेदार भेज रहे होंगे। नौकरी जब मिली है तो समाज में इज्जत मिला है तुम्हारी मेहनत की बदौलत। बताओ जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो तुम्हारा कोई इज्जत रहेगा? और यह साजिश समझो कि इस देश की आम आवाम को जिसके पास हर किसी के पास एक वोट है उसको आपस में बांटा गया है। जब किसान लड़ रहा होगा तो बैंक कर्मचारी नहीं होंगे, जब बैंक कर्मी लड़ रहा होगा तो किसान नहीं होंगे, जब स्टूडेंट लड़ेगा तो मजदूर नहीं होंगे, जब मजदूर लड़ेगा तो आदिवासी नहीं होंगे, जब आदिवासी लड़ेगा तो महिलाएं नहीं होंगी। और ये हमको आपस में इसलिए बांटा गया है कि ये वही साजिश है जिसके बदौलत इस देश पर अंग्रेजों ने 200 साल राज किया था, फूट डालो और राज करो। और आज ये वही समय है
कि इस देश की आम आवाम को तमाम तरह के पेशे के आधार पर, पहचान के आधार पर, बोली के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांटा जा रहा है। एक सवाल आप हमको पूछ करके बताइए और सोच करके बताइए कि अगर SBI बिकेगा तो सिर्फ बिहार के लोगों की नौकरी जाएगी कि महाराष्ट्र के लोगों को भी नौकरी जाएगी? तो क्या हमको साथ में वीर कुंवर सिंह जिंदाबाद और शिवाजी महाराज जिंदाबाद बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? और ये आपस में जो हमको लड़ाया गया है उसका सीधा साजिश क्या है कि आम जनता की जो परेशानी है उस परेशानी को अलग अलग करके दिखाना है। आम जनता की क्या परेशानी है, हम आम जनता की बदौलत आपको बताते हैं, आपको बैंक कर्मी होने के नाते, कि जब हम बैंक में जाते हैं तो हमको बुरा महसूस होता है। वो बुरा महसूस इसलिए होता है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। उनके साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं किया जाता है ये हम सोच न सकें, इसीलिए ग्राहक और बैंक कर्मी को आपस में बांट दिया गया है। बैंक कर्मी की समस्या क्या है कि अगर वो 16 घंटा काम करेगा तो उसको अपनी पत्नी से बात करने का फुर्सत नहीं है। तो कोई पासबुक लेकर के आएगा काउंटर पे, एक सवाल को 3 बार पूछेगा तो स्वाभाविक रूप से झल्ला जाएगा। लेकिन जो पासबुक लेकर के आया है उसकी इनसिक्योरिटी क्या है? उसकी इनसिक्योरिटी ये है कि इस देश में निजी कंपनियां पैसा लेकर के भाग गई। आप मुझे बताइए कहाँ है JBG, कहाँ है हेलियस ग्रुप, कहाँ है पियरलेस, कहाँ है सहारा? बैंक गायब हो गए, जनता का पैसा लेकर के गायब हो गए, और जनता का पैसा, उनकी गाढ़ी कमाई कोई चुरा करके ना भागे, उसकी गारंटी सरकार ले, उसकी गारंटी RBI ले। इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कि अगर 500 रुपया भी मेरा है, मेरी संपत्ति है, अगर हम SBI में जमा करते हैं, सार्वजनिक बैंकों में जमा करते हैं, तो उसकी गारंटी है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन देखिए कि आज बैंकों के साथ क्या किया गया है। पहले कहते हैं जनधन खाता खुलवा लीजिए, जब खाता खुलवा लीजिएगा तो कहेंगे कि बैंकिंग सिस्टम से कोई भी इंसान बाहर नहीं रहना चाहिए, सबको बैंकिंग सिस्टम में आ जाना चाहिए। और बैंक की व्यवस्था ऐसी बना दी कि 5 बार से ज्यादा अगर ATM यूज कीजिएगा तो फाइन लगेगा, नया पासबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा, नया चेकबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा। हमको तो लगता है कि किसी दिन बैंक के आगे से गुजर गए, CCTV कैमरा में मुंह आ गया तो उसका मुंह दिखाई का भी 50 रुपया वसूल लिया जाएगा। आम लोगों से आप पैसे की वसूली करते हैं और वो जो पैसा है अपने दोस्तों के ऊपर दोनों हाथ से लुटाते हैं, फिर कहते हैं कि NPA हो गया है। अरे साहब, बैंक तो बाद में NPA हुआ है, पूरी की पूरी सरकार NPA होकर के बैठी हुई है। आप कहते हैं कि NPA हो गया है इसीलिए बैंक बेच दीजिए, तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री सबसे बड़ा NPA का स्टेट है और इसको बेचने की जरूरत नहीं है, ये अंबानी और अडानी के हाथ में बिका हुआ है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश के भीतर जो आपने नारा दिया है बैंक बचाओ देश बचाओ, उसका सीधा मतलब ये है कि आप रिपब्लिक बचाना चाहते हैं। मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालिएगा, ऐसा नहीं है कि हम SBI के पक्ष में बोल रहे हैं तो हम ICICI के खिलाफ हैं। लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि अगर एम्स नहीं होगा तो फोर्टिस में बेड नहीं मिलेगा, अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो निजी स्कूल से कंपटीशन नहीं करेगा। वो SBI है, वो राष्ट्रीय बैंक है, कि राष्ट्रीय बैंक के मुकाबले में, उसके कंपटीशन में निजी बैंक आपके ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। मैं कहता हूँ कि अगर आपके अपने माँ बाप नहीं है, आपका घर वाला नहीं है, अगर आपको घर में इज्जत नहीं मिलती है तो आपको बाहर में भी इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर के जो बैंक हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है मुनाफा कमाना। लेकिन जो सरकारी बैंक हैं, जो सरकारी संपत्ति है, उसका एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर रेलवे नहीं होगा, अगर सरकारी बैंक नहीं होगा,
तो आम लोगों के पहुंच से रेल बाहर होगा कि नहीं होगा? अगर सरकारी बैंक नहीं होगा तो आम लोगों के पहुंच से निजी बैंक बाहर होगा कि नहीं होगा? ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को हम सबको समझना पड़ेगा और इस परिस्थिति को हम बखूबी समझते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। बैंक कर्मचारियों के बीच में आम इंसान की हैसियत से आए हैं कि बैंक को बचाने का सवाल सिर्फ आपका पेंशन बचाने का सवाल नहीं है, सिर्फ आपका वेतन बचाने का सवाल नहीं है। सरकारी बैंक बचाने का मतलब है सरकार बचाना, सरकार बचाने का मतलब है देश बचाना, देश बचाने का मतलब है लोकतंत्र बचाना। इसीलिए सरकारी बैंकों को बचाने का तात्पर्य यह है कि हम इस देश में रिपब्लिक बचाना चाहते हैं, और रिपब्लिक का मतलब यह होता है कि इस देश के अंदर साधारण से साधारण व्यक्ति, चाहे वो वर्दी पहना हुआ हो या बैंक का ड्रेस पहना हुआ हो, चाहे वो फुटपाथ पे जूता सिलता हो या इस देश की सर्वोच्च संस्था संसद में बैठा हुआ हो, सबका अधिकार बराबर किया गया है। इसीलिए जो रिपब्लिक का हेड है, देश के राष्ट्रपति हैं, वो राजा का बेटा नहीं है, वो इस देश के आम इंसान का बेटा है। ये अधिकार हमारे हाथ में रहे, ये अधिकार हमारे हाथ में सुरक्षित रहे, इसीलिए बैंक बचाओ देश बचाओ इस रैली में आए हुए आप तमाम लोगों का मैं समर्थन करता हूँ। और मैं आपको वादा करता हूँ कि किसानों ने जो हमको रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा। या सरकार जिससे डरती है उसको उसी से डराना पड़ेगा। इनको ये याद दिलाना पड़ेगा कि मोदी जी, याद रखिएगा, अगर आप हमारा बैंक बेचिएगा तो आपका ईमान बिकाऊ होगा। हम बिकाऊ नहीं है, हम बैंक भी बचाएंगे और देश भी बचाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद।